नमस्कार। और आज हम खड़े हैं फ्रेंच वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के सामने जिसका नाम है एयरबस A380। 2000 में लॉन्च हुआ था और ये 2022 का फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ जेट फ्यूल में आता है। एयरबस एयरक्राफ्ट्स की रेंज शुरू होती है 6638 करोड़ रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 3714 करोड़ रुपीज़। और ये टॉप मॉडल A380 आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइनर है और एक लौता फुल लेंथ डबल डेक जेट एयरलाइनर है। इसके डेवलपमेंट में एयरबस ने लगभग 1,40,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे जो पूरे रिकवर भी नहीं हो पाए। इसको बनाने के लिए फ्रांस, जर्मनी और यूके की गवर्नमेंट ने एयरबस को लगभग 29,000 करोड़ रुपीज़ लोन भी दिया था। डेवलपमेंट के दौरान A3XX कोड नेम था। एमिरेट्स एयरलाइंस इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर है, इनके पास 118 A380 हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज और कैंटस भी इसके बड़े यूज़र्स हैं। टोटल 254 A380 बनाए गए और 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद भी कर दिया गया है। इसमें मैक्सिमम 853 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। लंबे रूट मार्केट में बोइंग 747 के जलवे को ख़त्म करने के लिए एयरबस ने A380 बनाया था। सुपर जंबो इसका निकनेम है। 31 लाख रुपीज़ पर आर A380 की रनिंग कॉस्ट है। कस्टमर्स ने कहा है कि A380 की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, हाई स्पीड पर एवरेज अच्छा है और टेक्निकल रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है। बिना किसी फैटलिटी के आज तक 8 लाख से ज़्यादा फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुका है A380। इसमें 8 दर्शाता है डबल डेक क्रॉस सेक्शन और ये कई एशियन कंट्रीज़ में लकी नंबर भी है जो इसके टारगेट कस्टमर्स थे। 50% से ज़्यादा A380 एशिया पैसिफिक रीजन में है। और ये वेदर रडार, आइस डिटेक्टर और कई एंटेनास, HID लाइट्स हैं, ये एक्सल शॉक एब्जॉर्बर और टॉर्क लिंक्स, ग्राउंड इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्टर्स हैं, सिविल एविएशन में पहली बार यूज़ होने वाला पावर बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल एक्चुएटर्स हैं। 40 लाख पार्ट्स हैं A380 में, जिसमें 25 लाख पार्ट्स 1500 कंपनीज बनाती हैं। 72.7 मीटर लेंथ है, 24.1 मीटर हाइट है, 79.8 मीटर विंग स्पैन चौड़ाई है, लगभग 1.6 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, 50 मीटर टर्निंग रेडियस है, 2,85,000 kg कार्गो वेट है और 5,74,000 kg टोटल वेट है। लगभग 100 मिनट्स इसका एयरपोर्ट टर्न अराउंड टाइम है। एरोस्पाटियाले, ब्रिटिश एरोस्पेस, डॉयशे एरोस्पेस AG और कासा ने मिलकर डिज़ाइन किया है A380 को। एक महीने में 3 A380 बनाती थी एयरबस। इसके केबिन में 98,000 वायर्स और 40,000 कनेक्टर्स होने की वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता था। एयरबस के चीफ टेस्ट पायलट जैक रॉसे ने बताया था कि एयरबस उड़ाना साइकिल हैंडल करने जैसा है, काफ़ी इजी है इसको हैंडल करना। इसकी 5 साल की मेंटेनेंस का खर्चा 56,000 करोड़ रुपीज़ पड़ता है, जिसमें 1,600 करोड़ रुपीज़ सिर्फ इंजन का सर्विस कॉस्ट है। इसको बनाने में रोल्स रॉयस, साफ्रान, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज और जनरल इलेक्ट्रिक सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसमें 4 इंजन हैं, 2 इस तरफ और 2 दूसरे विंग पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन है। लो डिमांड होने की वजह से इसका प्रोडक्शन 2021 में बंद कर दिया गया है। लगभग 3,714 करोड़ रुपीज़ इसका प्राइस है। 79.8 मीटर चौड़ाई है इसकी। चार मेन लैंडिंग गियर लेग्स हैं, टोटल 22 व्हील्स हैं। आगे 22 इंच और पीछे 23 इंच के व्हील्स मिलेंगे। सारे व्हील्स में कार्बन ब्रेक्स मिलेंगे। ABS इमरजेंसी ब्रेकिंग और टायर प्रेशर इंडिकेटिंग सिस्टम भी मिलेंगे। मिशलिन के रेडियल टायर्स हैं। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और कम ऑर्डर्स की वजह से A380 को बंद कर दिया गया था। HID लाइट्स हैं। इसको पेंट करने में 3,600 लीटर पेंट लग जाता है और पेंट का वेट है 531 kg। पीछे भी कार्बन ब्रेक्स हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे टायर्स में से एक हैं। इसमें एक टायर की कीमत है 4 लाख रुपीज़। लगभग 180 लैंडिंग्स के बाद टायर को चेंज करना पड़ता है।
99% ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है A380 की। पीछे 23 इंच के व्हील्स मिलेंगे। कार्बन ब्रेक्स हैं। मिशेलिन के टायर्स। बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट बाइट है जो सिस्टम्स को फेलियर के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। ब्रेक टू वेकेट सिस्टम है जो ऑटो फ्लाइट, फ्लाइट कंट्रोल्स और ऑटो ब्रेक सिस्टम्स को यूज करके प्लेन को रनवे से सेट जगह पे एग्जिट करा देगा। इन्हें लैंडिंग गियर कहते हैं। इसके कई वेरिएंट्स भी प्लान किए गए बट बनाए नहीं गए, जैसे A380F कार्गो, A380 स्ट्रेच, A380 प्लस और A380 नियो। रिएक्सल, शॉक एब्जॉर्बर, टॉर्क लिंक, लैंडिंग के टाइम कई ग्राउंड इक्विपमेंट A380 को चाहिए, जैसे AC यूनिट, एयर स्टार्ट यूनिट, बल्क ट्रेन, लोअर और अपर डेक केटरिंग ट्रक, कन्वेयर बेल्ट, क्लीनिंग ट्रक, ग्राउंड पावर यूनिट, लोअर डेक कार्गो लोडर, लेवेटरी व्हीकल, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, टो ट्रैक्टर, फ्यूल टैंकर, ULD ट्रेन और पोर्टेबल वाटर व्हीकल। फ्यूसेलाज एल्यूमिनियम अलॉयज से बना है। 20% से ज़्यादा एयर फ्रेम में कंपोजिट मटेरियल्स यूज हुए हैं। डोर्स, टेल सरफेस, विंग्स, अंडर कैरेज और रियर फ्यूसेलाज में कार्बन फाइबर री इन्फोर्स प्लास्टिक, ग्लास फाइबर री इन्फोर्स प्लास्टिक और क्वार्ट्स फाइबर री इन्फोर्स प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। अपर फ्यूसेलाज में ग्लास लेमिनेट एल्यूमिनियम री इन्फोर्स एपॉक्सी ग्लेयर यूज किया गया है। 171,000 लीटर बूट स्पेस है A380 में। कई सारे पायलट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं A380 में, जिससे इसे हैंडल करना काफ़ी इजी हो जाता है। 99% ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है A380 की। इसमें 531 kg का पेंट है। एमिरेट्स इसका दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेटर है। इंडिया में एक भी A380 नहीं है। और ये APU एग्जॉस्ट। A380 में 4 रोल्स रॉयस ट्रेंट 900 3 शाफ्ट हाई बाईपास टर्बो फैन जेट इंजन्स हैं। 374 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, मतलब 275,000 हॉर्स पावर है। 43,100 फीट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड है। 15,000 किलोमीटर रेंज है। 903 किलोमीटर पर आर क्रूज स्पीड है। 1049 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है और 10 ग्राम पर न्यूटन मीटर एवरेज मिलेगा। 320,000 लीटर फ्यूल टैंक्स हैं। 256 किलोमीटर पर आवर इसकी लैंडिंग स्पीड है। इंजन अलायंस का GP7000 टर्बोफैन जेट इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। 2.9 मीटर डायमीटर फैन ब्लेड्स हैं जो 1,134 kg एयर पर सेकंड सक करते हैं। फ्रंट और रियर विंग्स में फ्यूल टैंक है। आगे LP कंप्रेसर है और पीछे टरबाइन है। 3.1 मीटर लेंथ है इसकी। 3 शाफ्ट आर्किटेक्चर है। लगभग 100 करोड़ रुपीस एक इंजन की कीमत है। ये इंजन सिर्फ एयरबस A380 में ही यूज होता है। रोल्स रॉयस इंजन है ये। लगभग 275,000 हॉर्स पावर है। हाई प्रेशर एयर इंजन स्टार्ट कनेक्शंस हैं। सेंसर्स, रडार्स,
लो प्रेशर प्री कंडीशनड एयर कनेक्शन है। चार रोल्स रॉयस ट्रेंट 900 टर्बोफैन जेट इंजन्स हैं। 374 किलो न्यूटन थ्रस्ट है इनका। आइए अब केबिन में चलते हैं। लगभग 5 मीटर हाइट है डोर की ग्राउंड लेवल से। ये लोअर डेक है, डोर के हिंजेस, अटेंडेंट सीट, फोन, लाइट्स हैं और ये है गैली मतलब कि किचन। यहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट जंप सीट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट स्टोरेज और सर्विस ट्रॉली रखी जाती हैं। ये ट्रॉलीज, यहाँ पर भी ट्रॉलीज हैं। लगभग 6000 स्क्वायर फीट केबिन सरफेस है, 50 मीटर लेंथ है, 853 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है A380, बट टिपिकली 525 पैसेंजर्स होते हैं 3 क्लास लेआउट के साथ, जिसमें 10 फर्स्ट क्लास, 76 बिजनेस और 439 इकोनॉमी क्लास सीट्स होती हैं। और ये है इकोनॉमी क्लास, लेदर हेडरेस्ट, एम्बिएंट मूड लाइटिंग है और ये पॉकेट, और ये टीवी स्क्रीन कंट्रोलर, सीट कंट्रोलर। 13.3 इंच का एचडी टीवी है, फोल्डेबल टेबल है। दुबई से न्यूयॉर्क इस इकोनॉमी क्लास का प्राइस है 67,000 रुपीज। और ये लगेज कंपार्टमेंट, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। ये मेन डेक है जिसकी 6.5 मीटर चौड़ाई है, 220 विंडोज हैं A380 में, 16 डोर्स हैं। यात्री के थकान को कम करने वाला केबिन है, फ्लोरोसेंट और LED लाइट्स हैं और ये डोर। हैपा एयर फिल्टर है क्लीन एयर के लिए, हर 2-3 मिनट में केबिन की एयर रिन्यू होती है। AC के 6 एयर इनलेट्स हैं। काफी कंफर्टेबल इकोनॉमी क्लास है। और ये किचन और स्टोरेज एरिया, फूड में हेल्दी ऑप्शंस मेन्यू, मल्टी कोर्स मील्स और किड फ्रेंडली फूड मिलेगा। नीचे ट्रॉलीज हैं। फोर्थ जनरेशन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट IFE एक्सपीरियंस है, ब्लूटूथ कनेक्शन और ऑनबोर्ड वाईफाई के साथ। A380 में कंफर्ट और स्पेस पे ध्यान दिया गया है। और ये रिमोट TV और सीट कंट्रोल्स के लिए, पॉकेट, कुशंस भी मिलेंगे सीट के साथ। केबिन 15 अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल जोन्स में स्प्लिट किया गया है, सब में टेम्परेचर 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक सेट किया जा सकता है। इसमें बार्स, ब्यूटी सैलून, ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट एमिनिटीज इंस्टॉल हो सकती हैं। फोल्डेबल डोर है टॉयलेट के लिए, ये टॉयलेट सीट। आइए अब अपर डेक पे चलते हैं। सीढ़ियों पे लाइटिंग दी गई है, 2 स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ। यहाँ पर भी ट्रॉलीज दी गई हैं नीचे। और ये कॉफी और एक्सप्रेसो मेकर, और यहाँ पे स्टोरेज और क्रू रेस्ट बंक्स हैं।
और ये है ऑन बोर्ड लाउंज, ड्रिंक्स, स्नैक्स और बार। ये भी काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है फ्लाइट के अंदर। लाउंज सीट्स, फिफ्टी फाइव इंच की एलसीडी टीवी स्क्रीन है। यहाँ पर भी लाउंज सीट्स, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, ड्रिंक्स और बातें कर सकते हैं। A380 में 5000 लाइटिंग स्टाइल और प्रीमियम इकोनॉमी केबिन एकदम न्यू है, जो कभी एयरबस एयरक्राफ्ट में डेवलप नहीं हुए। ये अपर डेक है जिसकी 5.8 मीटर चौड़ाई है। केबिन मूड लाइटिंग है, वुड फिनिश दी गई है। और ये है बिजनेस क्लास, लेदर सीट्स, सॉफ्ट कुशन हेडरेस्ट, वुड ग्रेन डिटेल्स हैं, मिनी बार है, सीट कंट्रोलर, टीवी कंट्रोलर है ये। लाई फ्लैट कंफर्ट सॉफ्ट मैट्रेस है, 20 इंच एचडी टीवी है। ओवरहेड लाइटिंग भी मिलेगी। दुबई से न्यूयॉर्क इसका प्राइस है 4 लाख रुपीस। टैबलेट भी दिया गया है, मिनी बार है, एयरलाइंस अपनी पसंद के हिसाब से A380 को कैसे भी मॉडिफाई करा सकती हैं। 78 सेकंड्स में 853 पैसेंजर्स A380 से बाहर निकल सकते हैं। ट्रैवलर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है A380, हर कोई इसमें एक बार ट्रैवल करना ज़रूर चाहता है। फोल्डेबल सीट्स, आज तक 73 लाख फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर चुका है A380। लगभग 15 आवर्स लगते हैं इसे दुबई से न्यूयॉर्क में, जो इसका काफ़ी पॉपुलर रूट है। ट्वेंटी इंच की एचडी टीवी स्क्रीन्स मिलेंगी। ये बिजनेस क्लास है। सीट के कंट्रोल्स, पूरी फ्लैट कर सकते हैं आप सीट। ये ऊपर लगेज कंपार्टमेंट, यहाँ से आप सीट को फ्लैट कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप सीट को सेट कर सकते हैं। ये बिजनेस क्लास सीट्स हैं, लेदर अपॉल्स्ट्री है। सॉफ्ट कुशन हेडरेस्ट है, फोल्डेबल टेबल्स हैं, ये ऑटोमेटिक पार्टीशन, दुबई से न्यूयॉर्क 4 लाख रुपीस टिकट प्राइस है बिजनेस क्लास का। कई सारे पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट। ओवरहेड लाइटिंग भी दी गई है इसमें।
एमिरेट्स का लोगो, ये एक और एग्जिट डोर। 16 डोर्स हैं A380 में और 220 विंडोज हैं। और ये है A380 का सबसे फेमस फर्स्ट क्लास प्राइवेट सुइट केबिन। इसमें क्लोजिंग डोर्स हैं, टीवी में 5000 चैनल्स हैं, ये नोटबुक पेन, ये वैनिटी मिरर, स्किन केयर और फ्रेग्रेंसेस हैं, बॉर्स एंड विल्किंस के हेडफोन्स भी मिलते हैं इस केबिन में, मूड लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, ये टैबलेट, लाइट के कंट्रोल्स, सर्विस कॉल बटन्स हैं, पॉपअप टैबलेट है, लाइटिंग, सीट के कंट्रोल्स, पोर्ट्स हैं, ये फोल्डेबल टेबल। दुबई से न्यूयॉर्क इस फर्स्ट क्लास सूट का प्राइस है 9 लाख रुपीज़। और ये पॉपअप मिनी बार, ये दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइन सीट्स हैं। एम्बिएंट लाइटिंग है इसमें, वुड फिनिश है इस सुइट के कुछ कंट्रोल्स, वैनिटी मिरर, काफी बड़ा टीवी है, लैम्प्स हैं, और ये है फुल फ्लैट सीट। आपको स्लीपर्स भी मिलते हैं। पॉपअप मिनी बार, काफी स्पेस दी गई है। टैबलेट में म्यूजिक और सीट के कई सारे कंट्रोल्स हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स, सीट एडजस्टमेंट, हेडरेस्ट, पूरी सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये लाइटिंग कंट्रोल्स, ये डिटैचेबल टैबलेट है जो अभी लॉक करा हुआ है, ऑटोमेटिक कर्टेन्स हैं, काफी बड़ी ग्लास विंडोज हैं, सीट बेल्ट, हेडफोन, मैगजीन्स, वैनिटी मिरर, लाइट के साथ काफी बड़ा टीवी, वुड फिनिश में फोल्डेबल टेबल, ये एयरलाइन में सबसे महंगी पैसेंजर सीट्स हैं। ये इसका काफी फेमस फीचर है, पॉपअप मिनी बार। ऊपर भी लाइट दी गई है,
आर्मरेस्ट के अंदर भी काफी स्पेस दी गई है। क्लोजिंग डोर्स हैं ऑटोमेटिक। और ये फुल सेट डिनर टेबल। कुशन, लेदर सीट्स, बीच में ऑटोमेटिक पार्टीशन है। स्पीकर्स भी दिए गए हैं हेडरेस्ट के ऊपर। दुनिया के लगभग 400 एयरपोर्ट्स हैं जो A380 कंपैटिबल हैं। कुछ टेबल्स हैं यहाँ पे, काफ़ी शानदार लाइटिंग एरिया। A380 के कैप्टन की सैलरी लगभग 1 करोड़ रुपीस ईयरली होती है। यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है, हैंगर्स हैं। और ये है A380 की दूसरी सबसे फेमस चीज, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए 5 मिनट्स का हॉट वाटर शावर स्पा अवेलेबल है। इसमें 2.5 टन वाटर यूज हो जाता है। ये पहली बार एयरबस एयरक्राफ्ट में डेवलप किए गए हैं। ये वॉश बेसिन, टॉवल, वैनिटी मिरर, लाइट और ये शावर एरिया। इसमें एट अ टाइम 2 लोग शावर ले सकते हैं। वोया के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। बुल्गारी एमिनिटी किट भी मिलती है शावर स्पा में। टीवी भी है, हैंगर और ये टॉयलेट सीट। हीटेड फ्लोर है इस एरिया में। एट अ टाइम 2 लोग शावर यूज कर सकते हैं। आइए अब लोअर डेक में चलते हैं। ये आगे का स्टेयरकेस है। एशियाना, ब्रिटिश एयरवेज, चाइना साउदर्न, एमिरेट्स, एतिहाद, कोरियन एयर, लुफ्तांजा, मलेशिया एयरलाइंस, कैंटस, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज और ऑल निपॉन एयरवेज A380 के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें ये एमिरेट्स सबसे बड़ा ऑपरेटर है। इकोनॉमी क्लास केबिन, ये लोअर डेक है। टीवी स्क्रीन, ये एसी वेंट, लाइट्स। A853 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है A380, बट 525 पैसेंजर्स होते हैं क्योंकि एयरलाइंस 3 क्लास लेआउट्स लगाती हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस और इकोनॉमी। और ये आगे का टॉयलेट एरिया। काफ़ी लग्जरी टॉयलेट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा A380 में। वुडन फिनिश में टॉयलेट सीट कवर, मिरर और ये है एयरबस का फ्लाइट डेक। 2 क्रियू का कॉकपिट है। थेल्स का इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक्स IMA आर्किटेक्चर है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल्स हैं जो साइड स्टिक्स से लिंक्ड हैं।
8 इंच का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज है, ग्राफिकल पॉइंट एंड क्लिक डिस्प्ले सिस्टम है, जॉयस्टिक्स हैं, कैमरा डिस्प्ले, ये हेडअप डिस्प्ले, नेटवर्क सिस्टम सर्वर NSS है, पेपरलेस कॉकपिट के लिए। ये स्टोर करता है डेटा, लॉग बुक, चार्ट्स, परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस और कई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन। 2H2E सिस्टम्स आर्किटेक्चर है, मतलब 2 हाइड्रोलिक और 2 इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, कम वेट और ज़्यादा सेफ्टी के लिए। ये पायलट सीट, साइड में ग्लास होल्डर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, साइड स्टिक कंट्रोल है प्लेन के इजी कंट्रोल के लिए। इजी डिस्प्लेज हैं, इजी टू कंट्रोल है A380। ट्रैक बॉल्स हैं, थ्रॉटल, और ये इंजन स्टार्ट बटन, और ये ग्रेविटी एक्सटेंशन, पावर ब्रेक, लाइटिंग कंट्रोल्स, थ्रॉटल लीवर, थ्रस्ट लीवर, फ्लैप्स और स्पॉइलर कंट्रोल्स, ऑन ग्राउंड स्टेयरिंग, यहाँ पर भी कुछ कंट्रोल्स हैं, डीक्लटर, लाउड स्पीकर, हेड अप डिस्प्ले कंट्रोल्स, तो कैसा लगा आपको एयरबस A380? हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।